घर के निर्माण या रखरखाव में वास्तु के नियमों की अनदेखी इंसान को बदहाली के रास्ते पर धकेल सकती है। ऐसा कहते हैं कि शाम के वक्त कुछ खास काम करने से भी इंसान को वास्तु दोष घेरते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका लेन देन सूर्यास्त के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि कौन से वो काम हैं जिनको शाम के समय करना आपको धनहानि करा सकता है। दूध नहीं देना चाहिए। दूध का संबंध भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद गलती से भी किसी को दूध का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। पैसे न दें उधार। वैसे तो अगर आपकी क्षमता है तो किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का धन किसी को नहीं देना चाहिए। धन का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से होता है और सूर्यास्त के बाद धन देने से घर में बरकत रुक जाती है। नहीं देनी चाहिए हल्दी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हल्दी का संबंध सीधा गुरु ग्रह से है और कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी देने से उस व्यक्ति का गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से धन संबंधी समस्याएं मनुष्य को घेर लेती हैं। किसी को न दें दही। आमतौर पर पड़ोसियों में दही जमाने के लिए उसका लेन देन होता रहता है, लेकिन ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किसी को दही नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद दही देने से उस व्यक्ति के धन और वैभव में कमी हो जाती है। तुलसी के पत्ते न तोड़ें। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए शाम के वक्त भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं। शाम के वक्त तुलसी के पत्ते तोड़ने से रोग और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं इंसान को घेरती हैं। शाम के वक्त तुलसी को छूने की बजाय उसके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। झाड़ू न लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। शाम के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसका असर इंसान की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर किसी कारणवश आपको घर में झाड़ू लगानी पड़े तो इससे समेटा हुआ कचरा घर से बाहर न फेंके, इसे एक तरफ इकट्ठा कर दें और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही घर से कचरे को बाहर निकालें। मुख्य द्वार न रखें बंद। शाम के समय घर का मुख्य द्वार थोड़ी देर के लिए खुला रखें। ऐसा कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार को बंद नहीं रखना चाहिए। ऐसा मानना है कि यही वक्त होता है जब माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए शाम के समय अगर घर का मुख्य द्वार बंद होगा तो माँ लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। न करें लड़ाई झगड़ा। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्य डूबने के बाद घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर को कंगाली और गरीबी घेरने लगती है। अगर शाम के वक्त आपके द्वार पर कोई गरीब आदमी आए तो उसे कभी खाली हाथ न लौटने दें। ऐसे लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दान करें। नहीं देने चाहिए लहसुन और प्याज। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद लहसुन प्याज किसी को भी नहीं देना चाहिए। इनका संबंध केतु ग्रह से माना गया है और केतु ग्रह जादू टोना से संबंधित है। सूर्यास्त के बाद भूल कर भी किसी को ये चीजें नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही हमारी कामना है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी विषय पर वीडियो बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर लिखें।